हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं एक EMC रिबॉलिंग बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छी तरीके से। मैं इस पर EMC रिबॉलिंग आपको दो तरीके बताऊँगा बेस्ट, जिसमें से आज मैं एक तरीका बता रहा हूँ। मैं हालांकि ये एक EMC रिबॉलिंग नहीं है, ये किसी भी IC को रिबॉल कर सकते हो। मैं अभी आपको जो IC रिबॉल कर रहा हूँ, सबसे मेन मैटर करता है दोस्तों आपका SMD आपका कैसा है। अगर SMD आपका अच्छा है तो ये मान के चलिए कि आपका काम अच्छा होना ही है। हीट को मैंने रख लिया है 360 पर और एयर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर 2 पर, तो 2 पर एयर रख दिया होगा मैंने। इसमें क्या हो जाएगा ये देखिए, तो ये केसिंग, तो अभी क्या हो गया है कि ये केसिंग होने से हमारा जो सेक्शन है वो सेव हो जाएगा, ये देखिए। तो अब हमारा ये इस वायर को लेके इस पेस्ट के ऊपर लगाऊंगा, ये देखिए, और इस तरीके से इसको क्लीन करने की कोशिश करूंगा। देखिए बिल्कुल परफेक्ट रिबॉलिंग हुई है और बैठने लायक है बिल्कुल। आप इसके बॉल देख पा रहे होंगे, परफेक्ट रूप से रिबॉल हो चुका है। तो दोस्तों IC इस तरीके से रिबॉल। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? सेट की मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इस सेट की EMMC है, ये एक MTK का सेट है। तो इसकी EMMC को निकालते हैं और इसको रिबॉल करते हैं, और किस तरीके से इसको रिबॉल किया जाए परफेक्टली रिबॉल। सो इसको पूरा वीडियो देखिएगा, सो इसलिए एक स्क्रीन आपके सामने लगी हुई है, आप इस स्क्रीन को पूरा वॉच कीजिएगा कि, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताता रहूँगा, बीच बीच में बोलता रहूँगा कि क्या क्या मैं चीज़ कर रहा हूँ। तो सही तरीके से मैं इसको रिबॉलिंग आपको समझाता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं रिबॉलिंग सही तरीके से, रीज़न क्या होता है कि नहीं कर पाते हैं, और कई लोग बहुत रिबॉल करते हैं उसके बाद IC बिठाते हैं। तो मैं इसका एक सेकेंड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं यही EMMC को बिठा कर सेट को लाइव करूंगा। सो अभी तो फिलहाल ये जो वीडियो है ये पार्ट में बना रहा हूँ, बहुत लंबे वीडियो देखते नहीं, इसलिए ये वीडियो सिर्फ खाली रिबॉलिंग सेक्शन के लिए, एक इसको लाइव करने के लिए एक वीडियो बनाएंगे और ये इस चैनल पर जरूर डालेंगे इसमें। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो मुझे इसका जो केसिंग है वो निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ इसका केसिंग निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको यहाँ से देखिए, पहला तरीका है कि आप इस तरह का कटर यूज़ कर सकते हैं, और कटर यूज़ करके जहाँ जहाँ आपको लगे कि आप इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं और पकड़ के इसको उठा सकते हैं, आप वहाँ से निकालिएगा। देखिए जैसे इस तरीके से मैं इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, आप इस पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने एक कटर यूज़ किया हुआ है, और इस कटर से फ़ायदा ये पड़ता है। देखिए जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इससे ट्रैक निकल जाती है, सो हाँ कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो ही कीजिएगा, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो मत कीजिएगा। सो फिर SMD के यूज़ कीजिएगा, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने फ़िलहाल इतना पोर्शन तो निकाल ही लिया इसका, और ये क्या होता है ये ट्रैक टू ट्रैक निकलता है। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ से ये पूरा ही निकाल दिया है, आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से मैंने पूरा निकाल दिया है, और ये देखो पूरा के पूरा सामने आ गया है। अगर आप इसको मैं ट्रैक दिखा दूँ, देखिए ये आपके सामने, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इधर बता दूँ तो पूरा के पूरा मैं आपको ट्रैक यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो बिल्कुल सही है, और यही चीज़ अगर मैं हीट करके निकालता तो काफ़ी समय निकल सकता था। और हीट करने में जनरली लोग दोस्तों क्या करते हैं, CPU पर रीहीट कर देते हैं, CPU अंदर से उसके जो बॉल होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, और यही वजह होता है फिर वो हीट करने लगता है, हाफ शॉर्टिंग या फुल शॉर्टिंग पैदा हो जाती है। सो बेसिकली ये मैंने इसका यूज़ किया, ये कटर वे पिलर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इसको यूज़ करके इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं ये निकाल के दिखाता हूँ आपको, तो मैं यहाँ से जहाँ पे भी मुझे कुछ स्पेस मिलेगा
मैं उस स्पेस को पकड़ूंगा और पकड़ के इसको उठाने की कोशिश करूंगा, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये हर कोई नहीं कीजिएगा, अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप पहले डेड मोबाइल की पीसी में कीजिएगा ये, अगर आपको लग रहा है कि आप ये कर पा रहे हैं तो ये कीजिएगा, आप नहीं तो हीटिंग का यूज़ कीजिएगा। अब देखिए मैं इसको दोनों तरीके से निकालना चाहूँगा, मैं इसको थोड़ा सा इसको निकाल के फिर इसको हीटिंग के निकालता हूँ। जैसे कि अगर मैं देखो दोस्तों मुझे यहाँ पर कहीं पर भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है और मैं इस पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता किसी भी प्रकार की। देखिए फिर भी मैंने यहाँ से आप देख रहे होंगे यहाँ से कि फिर भी मैंने यहाँ पर ये देखिए फिर भी मैंने इतना हिस्सा जैसे यहाँ से मैंने काटा हुआ जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से निकालूँ, तो मैं इसको हीट करके निकालता हूँ। और मैंने हालांकि मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, फिर भी मैं दो तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका आपका मैंने बताया कि कितना आसानी तरीके से मैंने इसका ये निकाल दिया है केसिंग, और अब मैं ये वाले तरीके को हीट करके दिखाता हूँ, तो आप इसको देखिएगा स्क्रीन पर। तो हमें करना क्या है कि हम जनरली पहले उसके चारों तरफ हीट देंगे। लोग गलती क्या करते हैं, लोग बीच में हीट दे देते हैं इस तरीके से, तो आपको बीच में हीट नहीं देना है, क्योंकि केसिंग जो होती है ना दोस्तों ये चारों तरफ से आपको लगी होती है, तो आपको इसको बीच में से हीट नहीं देना है, इसको आपको किनारे किनारे ही देना है। और फिर कहीं से भी जहाँ से थोड़ा सा स्पेस मिले आपको उसको पकड़ना है, और ये अपने आप जैसे कि देखिए अगर ये देखिए जैसे ये उठना चालू कर दिया। अब जैसे मैं इसको पकड़ा हूँ, देखिए मैं इसको उठाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ हीट देता रहूँगा, नॉर्मली ये अपने आप उठती रहेगी, आपको सिर्फ इसको पकड़े रहना है। अगर आप इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो बात वो ये देखिए कि पूरी की पूरी देखिए आ गई। अगर आपको यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए तो जो मैं SMD यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी SMD है, और मैं आपको वो SMD दिखाता हूँ उसके बाद। क्विक की A57D+DW+ एक SMD है। तो आप यहाँ पर अगर सेक्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा कि वो, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये पूरी की पूरी केसिंग है, ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही होगी ये पूरी की पूरी सही तरीके से निकली है, कहीं भी कंपोनेंट यहाँ से नहीं निकला है। हालांकि ये वीडियो केवल एक EMC रिलेटेड वीडियो है, तो चलिए अब हम बात करते हैं EMC को हम रिवॉल्व करते हैं। और पहले तो सबसे पहले हम EMC निकालेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ ये जो मेरा लगा हुआ है ये MediaTek का मेरा CPU है, और इसके बगल में ये जो IC लगी हुई है ये EMMC IC है। सो ये IC के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा EMC का, SK Hynix की EMC लगी, तो आपको यहाँ पर EMC का नाम दिख रहा होगा, SK Hynix की EMMC लगी हुई है, जिसका नंबर HQTP65A8JDAC करके है। हम इससे नंबर से पता लगा सकते हैं कि इसी ये EMC BGA कौन सा नंबर है, और जनरली किस किस मोबाइल में भी लगी हो सकती है। बहुत सारे तरीके हैं इसको पता लगाने के जो आपको यहाँ पर EMMC क्लास में सिखाया जाता है सही तरीके से। तो चलिए हम इस EMMC को निकालते हैं, ये हमारी EMMC लगी हुई आप देख रहे हैं इसका। दोस्तों निकालने से पहले सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमेशा नोज कट पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं आपको नोज कट पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये जो नोज कट पॉइंट होता है, ये जो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, ये देखिए ये जो नोज कट पॉइंट होता है दोस्तों, तो ये अगर आपका इधर साइड लगा है, मतलब इस दिशा में लगा है, जिस वे अगर यहाँ लगा हुआ, तो हमेशा नोज कट पॉइंट यहाँ लगा होना चाहिए। सो नोज कट पॉइंट के बहुत सारे तरीके हैं देखने के। और दूसरा, इस IC को हमेशा निकालने से पहले हमेशा इसकी फ़ोटो ले लेना चाहिए। तो आप फोटो लेने का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। फोटो लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस IC की फ़ोटो ले रहे हैं तो उसके आसपास के अगर कंपोनेंट सपोज निकल भी जाते हैं आपसे, सो आपको पता रहेगा कि बगल में कैपेसिटर निकला है, कि रजिस्टर निकला है, कि डायोड निकला है, आप उसको बड़ी आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, अगर इस आईसी के आसपास आपको बहुत ज्यादा पेस्टेड दिखाई देता है तो सबसे पहले उसको क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि हमें पेस्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम जो पेस्ट यूज कर रहे हैं वो सिर्फ आईसी के ऊपर यूज करेंगे। सो अगर अलग अलग हमें पेस्ट हो तो हम उसको बिल्कुल क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, और अपनी पीसीबी को सही तरीके से लगाइएगा, वो हिलनी बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पीसीबी हिलेगी तो हो सकता है वो बैंड हो सकती है। अब देखिए इसको हमने क्लीन कर लिया है, हम इसको थोड़ा सा एयर हीट कर देते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी एमटीके की, मीडियाटेक की आपका सीपीयू है। तो सो यहाँ पर क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं जो ट्रेसिंग सिखाऊंगा वो बिना किसी डायग्राम के, मैं ये तक बताऊंगा कि सीपीयू के किस वॉल तक लाइन जा रही है, स्पीकर हो गया, रिंगर, माइक, और बहुत आसान हो जाता है। उसके लिए हमें कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम प्रैक्टिकली बताते हैं, तो जिससे आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करें इस आईसी को निकालने की, तो हम इस आईसी को निकालते, देखिए आपको अब आईसी का नंबर भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, एक्स के है नेक्स। तो इस आईसी को निकालने के लिए हम जो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो एमटेक का यूज़ कर रहे हैं। हालांकि आप अपना जो भी आपके पास सोल्डिंग पेस्ट है, देखो सोल्डिंग पेस्ट का भी एक अच्छी क्वालिटी होती है, एक अच्छी क्वालिटी वाला अगर आप सोल्डिंग पेस्ट यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपका, काफ़ी अच्छे से वो आईसी निकलेगी। तो सबसे मेन मैटर करता है दोस्तों आपका एसएमडी, एसएमडी आपका कैसा है। अगर एसएमडी आपका अच्छा है तो ये मान के चलिए कि आपका काम अच्छा होना ही है। हीट को मैंने रख लिया है 360 पर, और एयर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर 2 पर, तो 2 पर एयर रख दिया होगा मैंने। बेसिकली जो हमें आईसी के अंदर जो हमें जो ये पेस्ट होता है वो हमें आईसी के अंदर पहुंचाना होता है, तो मेन यही है। पहले आईसी पर थोड़ा सा 10 राउंड की दीजिए, मतलब आपने आईसी के चारों तरफ। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि डायरेक्ट आईसी निकालने से पहले आप थोड़ा बाजू वाली आईसी में प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर हीट रेजिस्टेंट टेप लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लगा सकते हैं एल्यूमिनियम टेप लगा सकते हैं। तो अभी मेरे पास में वो फिलहाल यहाँ नहीं है, क्योंकि इस समय मैं घर पर हूँ अपने, तो ये मेरा क्लासेस नहीं है। तो अभी मैं जो यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक कॉइन यूज़ कर लेता हूँ। कॉइन लगाने से फ़ायदा क्या होता है, ये हीट को सब सोख लेता है, देखिए। तो अभी मैं कॉइन यूज़ कर लेता हूँ, और रही बात मैं या ये जो कंपोनेंट है, ये जो साइड के जो एक लाइट आईसी के जो सेक्शन है, इस कंपोनेंट को मैं अगर प्रोटेक्ट करने के लिए मैं केसिंग का यूज़ कर लेता हूँ दोस्तों, तो मेरे लिए बेस्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह की केसिंग होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो ये केसिंग, तो अभी क्या हो गया है कि ये केसिंग होने से हमारा जो सेक्शन है वो सेव हो जाएगा, ये देखिए। सो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एएमसी है, और ये मेरा कॉइन लगा ही हुआ है, और जो कैपेसिटर लगे हुए हैं काफ़ी हार्ड हैं, वो वैसे निकलेंगे नहीं, और अच्छा टेक्निक यूज़ करोगे तो दोस्तों कैसे भी नहीं निकलते। सबसे पहले एएमसी पर आपको 10 राउंड देना है, जब 10 राउंड हो जाए तो हटा के फिर 10 राउंड देना है। और जब 10 और हो जाए तब हटा के फिर 10 राउंड देना है। ऐसा करके आपको 4 राउंड दीजिए। और फिर हो जाए तो फिर 10 राउंड दीजिए। और इस बार आईसी को थोड़ा सा हल्के से पकड़ लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों,
तो हमारी EMCIC हमने निकाल ली है और मैं आपको यहाँ पे प्रिंट दिखाता हूँ। देखिए जो मेरे प्रिंट हैं वो बिल्कुल सही हैं, कोई भी प्रिंट ओपन नहीं है, और इवन IC में भी जो प्रिंट दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही है, कोई भी ओपन नहीं है यहाँ पर। अब क्या होता है कि मैं आपको एक चीज यहाँ पे बात करना चाहूँगा आपसे। दोस्तों क्या होता है कि हम जनरली जब IC पर ऊपर हीट करते हैं सो हम इनपेशेंट हो जाते हैं। हम हीट करने के टाइम पे हम सोचते हैं कि अगर नहीं हम खींचेंगे तो वो निकलेगी नहीं, जबकि सबसे बड़ी गलती यही होती है। कोई भी स्टूडेंट या जो भी टेक्नीशियंस अगर किसी भी IC को निकालता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा IC को हीट करते समय आपको सिर्फ पकड़े रहना है, उसको आपको सिर्फ पकड़े रहना है। आप देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी प्रिंट ओपन नहीं है। और अगर मैं IC आपको दिखाऊं, हालांकि ये जो सेक्शन है मेरा ये रिबॉलिंग सेक्शन है, पर मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा वीडियो होपली अभी तक शायद मुझे नहीं लगता कितने डिटेलिंग में बताया गया होगा कहीं पर। तो आप देख रहे होंगे कि ये IC के एक भी प्रिंट ओपन नहीं है। और बेसिकली अब इस IC को हम रिबॉल करते हैं, पहले क्लीन करते हैं, और क्लीन करने का एक बहुत अच्छा टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। जनरली लोग IC निकाल लेते हैं, चलो फिर क्लीनिंग में IC को ख़राब कर देते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट इस IC पर क्लीन करते हैं। तो इस IC को डायरेक्टली क्लीन नहीं करना है, और आपको क्या क्या टूल्स लेने हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों मैं आपको ये जो वीडियो है कंप्लीट गाइडेंस के साथ बताना चाह रहा था। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर आप ये टेक्निक लेकर चलेंगे तो आप अपने घर पे भी IC को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये हमारी IC है, तो सबसे पहले हम क्लीन करते हैं अपनी IC को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी IC है। मैंने आपको पहले बोला था कि इस IC को निकालने के लिए कितने हीट और क्या सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हम इसको जो क्लीन करेंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए उसके लिए हम यूज़ करेंगे डी सोल्डर बार भी बोल सकते हैं, ये डी विक बार होता है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये डी सोल्डर बार यूज़ करेंगे। सो मैंने थोड़ा पेस्ट इस IC पे यूज़ किया हुआ है, और सबसे पहले मैं ये इस वायर को लेके इस पेस्ट के ऊपर लगाऊंगा, ये देखिए, और इस तरीके से इसको क्लीन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप पीछे के टिप देख रहे होंगे, और ये जो हमारी BG है 162 है, मेरी टिप्स बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, विदाउट अगर पेस्ट को यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो सकता है कि हम इस IC को ज़्यादा हीट के कारण या तो हमारे बॉल उखड़ सकते हैं, या तो हम ये माने कि हमारी IC खराब हो सकती है। देखिए मैंने इस IC पर क्लीनिंग कर दी है, और आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको इसको IC को। सो ये IC अब पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है, आप यहाँ से देख रहे होंगे, देखिए, और इसका एक भी बॉल नहीं निकला है। अब हम इसको रिबॉल करेंगे, तो रिवॉल्व करने से पहले हम अपनी PCB पर भी इसको क्लीन कर लें, और आपको दिखा दें कि किस तरीके से हम इसको क्लीन कर रहे हैं। देखिए PCB पर भी यहाँ पे काफ़ी पेस्ट है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे,
जो तरीका मैंने वहाँ लिया था वही तरीका मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ बताते हैं जब आप क्लास आते हो, कौन सा सोल्डिंग आयरन यूज़ करना है, क्योंकि कोई सा भी सोल्डिंग आयरन यूज़ आप करेंगे तो हो सकता है उससे भी आपको दिक्कत जाए। तो फ्रेशर होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है कि अच्छे टूल्स का यूज़ उनको समझ में आ जाता है प्रॉपर तरीके से। ये मेरा पूरा क्लीन हो चुका है और अच्छी बात यह है कि मेरा टिप्स एक भी नहीं निकला है। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे मेरे सारे टिप्स बराबर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो चलिए अब ये आईसी को हम बिठाएंगे वापस, बट ये वीडियो केवल रिबॉलिंग तक का है और मैं इसको रिबॉलिंग करके इस वीडियो के बाद में इसका एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस आईसी को मैं, हालांकि इसमें प्रोग्रामिंग में आपको वीडियो में भी बता सकता हूँ, बट ये हम सही तरीके हम आपको बताएंगे अपनी क्लास में। बाकी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ आके सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इस आईसी को करते हैं रिबॉल। तो देखिए सही तरीका क्या है रिबॉलिंग करने का। अगर मैं आपको एक सही तरीका बताऊँ रिबॉलिंग करने का, तो सही तरीका क्या है, तो देखिए आप तो अब इस आईसी को रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्विंग करने के लिए हम सबसे पहले स्टेंसिल का यूज़ कर लेते हैं। अब दोस्तों स्टेंसिल की बात करें तो कौन सा स्टेंसिल यूज़ करना चाहिए, हमें स्टेंसिल का नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जो हम स्टेंसिल यूज़ करते हैं वो एक हाई क्वालिटी का स्टेंसिल होता है, क्योंकि स्टेंसिल भी अगर आप अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ईएमसी जो तैयार होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं स्टेंसिल एक अच्छा यूज़ करना चाहता हूँ। तो देखिए तो ये दोस्तों ये मेरी स्टेंसिल है, आप जैसे कि देख रहे होंगे, और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ये BGA, ये जो IC है BGA 1 6 2 है, ये देखिए ये 1 8 6, ये देखिए ये हमारी BGA 1 6 2 है और ये हमारी IC के ऊपर। अभी हम इसको फिट करते हैं किस तरीके से करें। तो जो स्टेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो स्टेंसिल आपको यूज़ करना है वो एक हाई क्वालिटी का स्टेंसिल है। वो अगर आपको लेना है तो आप नीचे दिए मैं एक ZX मिल्क का नंबर दे दूँगा, आप उनसे परचेस कीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ तो वो स्टेंसिल कौन सी है। सो आप जैसे कि यहाँ पर देख लेंगे, देखिए वो स्टेंसिल है GSM सोर्स। तो GSM सोर्स की स्टेंसिल है दोस्तों, काफ़ी अच्छी स्टेंसिल होती है इनकी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। तो अगर मैं अब यहाँ पर इस आईसी को रिवॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो मैं नॉर्मली टेप का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टेप का बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ़ायदा होता है। जनरली क्या होता है कि हम आईसी को जब रिवॉल्व करते हैं तो हम आईसी को रखने के बाद हम उसको यहाँ पर इस तरह से सेट करते हैं। हाँ, कि ऐसे भी रिवॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा दूसरा स्टेप था जो मैं इसको एक और बार आपको करके दिखाऊंगा एक दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने आईसी ली है और इस आईसी को मैं स्टेप पे लगा देता हूँ इस तरीके से, ये देखिए। उससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं दोस्तों, देखिए इस तरीके से टेप पे लगा देना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे। तो उसको बिठाना क्या हो, तो दोस्तों उसको बिठाना क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है।
अब आईसी को आपको, अब आपको क्या करना है, आपकी स्टेंसिल में आपको अपना बीजे सिलेक्ट करना है, और जो कि ये मेरा बीजे है इसलिए मैं इसको बीजे कह रहा हूँ, नहीं तो आईसी है, और आपको इसको सही तरीके से उसको मैच करना है। मैं आपको एक बार इसको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं इसको बिठा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से लेकर आप बॉलों को देख कर बिठाइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से मैं इसको आपको दिखाता हूँ। चलिए बीजी आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्टेंसिल आपका साफ होना चाहिए और सीधी होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये देखिए पूरी एक बार में बैठ गई है ये। मैं आपको यहां से दिखाता हूं, ये देखिए सारे बॉल आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब हम इसको रिबॉलिंग करेंगे और एक बार में ही हम इसको सही तरीके से रिबॉल करेंगे। तो मैं नीचे कपड़ों का यूज़ कर लेता हूँ इससे, ये देखिए मैं नीचे कपड़े का यूज़ कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये देखिए मैंने इस तरह से कपड़ा नीचे रख लिया, आप टिश्यू पेपर्स भी रख सकते हैं। और अब इधर मैंने अपना बीजे जो अपना स्टेंसिल है वो लगा दिया है सर। अब देखिए मैंने उसको इस तरह से लगा दिया है, ये देखिए ये पूरा सेट हो चुका है। अब मैं इस पर पेस्ट लगाऊंगा, तो जो मैं पेस्ट यूज कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए मैकेनिक का पेस्ट है, काफी अच्छा पेस्ट है। जो मैं ट्विजर यूज करूंगा यहाँ पे मैं बैंड ट्विजर यूज करूंगा, ये देखिए हमें बहुत ज्यादा कस के इसको नहीं पकड़ना है। तो आप दो तीन बार करोगे, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको आदत हो जाएगी। और पेस्ट को मैं इस तरह से लगा दूंगा, आपको क्लीन कर देना है, ऊपर आपको कुछ भी पेस्ट नहीं छोड़ना है, पूरा साफ होना चाहिए ऊपर, क्योंकि ये पेस्ट रांगे का ही होता है और जो सोल्डरिंग वायर होता है उसका ही होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी हीट होगा तो ऊपर आपका शॉर्ट हो सकता है, वहाँ पे सोल्डरिंग शोल्डर वहाँ पे आपका जम सकता है। देखिए पेस्ट मेरा साफ हो चुका है, अब मैं इसको हीट करता हूँ। एयर मैंने रख दी है यहाँ पर 2 पर और हीट मैंने रख दी है यहाँ पर 325-30 पर रख दी है मैंने।
चलिए ये मेरी आईसी यहाँ पर रिवॉल्व हो चुकी है, आपको एकदम से नहीं उठाना है, ध्यान रखिएगा। आप एकदम से उठाएंगे सो ये हो सकता है कि जो हमारा आईसी है उसमें जो पेस्ट है वो फैल जाए और जो हमारे बॉल है वो मैस हो जाए अंदर। अब ये जो हमारा टेप है हम इसको सही तरीके से निकालेंगे, ये देखिए। तो अब ये हमारी आईसी यहाँ पे रिवॉल्व हो चुकी है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अब इसको कंप्लीट फाइनल टच देते हैं इस आईसी को, ये पूरा रिवॉल्व हो चुकी है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए। आपको बॉल्स दिख रही होंगी यहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो का पर्पस ही मेरा ये था कि सही तरीके से कि एमसी को रिवॉल्व करके मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर। और अब मैं चलिए अब इसको हम लेते हैं हाथ में और उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट रिवॉल्विंग हुई है और बैठने लायक है बिल्कुल। आप इसके बॉल देख पा रहे होंगे, परफेक्ट रूप से रिवॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आईसी इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैं इसको अभी बिठाऊंगा और बिठाकर हालांकि मुझे ये ईएमसी इसको हालांकि मुझे इस पर ईएमसी का वर्क करना है तो इसलिए मैं इस पर भी ईएमसी का वर्क करके फिर इसको बिठाऊंगा और इस पर मैं वीडियो का भी दूसरा एक और बनाऊंगा। ये जो वीडियो था ये आपका जो वीडियो था ये वीडियो आपका इस आईसी रिवॉल्विंग पर था और जिस तरीके से मैंने इस वीजे वन सिक्स टू को रिवॉल्व किया हुआ है सही तरीके से। तो आप भी ऐसे ही काम कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारे टूल्स बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैंने आपको यहाँ बताई होंगी। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो डले हैं जिसमें आईसी रिवॉल्विंग है पर उसमें सही तरीके से बताया गया है पर एक्सप्लेन करके नहीं बताया बहुत अच्छे से। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताया गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए और लाइक कर सकते हैं आप, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये काम सीखना है सही तरीके से तो आप हमारे यहाँ आइए और आप ईएमसी का क्लास अटेंड कीजिए जिसमें हम आपको आईसी हर तरह का निकालना लगाना है रिवॉल्विंग और आपको यहाँ पर उसका जेटेक और यूएफआई के साथ प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। और अगर आपको बीसी से सीखना है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हर महीने का हमारा चलता है वो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। अगर आपने पहली बार एसर टेलीकॉम का वीडियो देख रहे हैं तो मेरी लिस्ट में जाइए। दोस्तों अगर आप पहली बार एसर टेलीकॉम के वीडियो देख रहे हैं तो मेरी लिस्ट में जाइए, वीडियो की लिस्ट में, और वहाँ पर मेरे पुराने वीडियो को देखिए क्योंकि वह पुराने वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा इंस्टीट्यूट काम करता है, हमारे स्टूडेंट का आउटपुट क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डाल के रखी हैं और आप हो सकता है इससे आपको पसंद आया और आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहें। सो अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और बाकी ये वीडियो था इस आईसी रिवॉल्विंग पर और कोशिश यही थी कि एक अच्छा वीडियो आपको बना सकूं। बहुत दिनों से दिमाग में था कि एक आईसी रिवॉल्विंग का एक बहुत बढ़िया अच्छा कंप्लीट सेक्शन वीडियो बनाऊं। ये बहुत लंबा वीडियो है आई नो और इसलिए मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म कर रहा हूं। इसके बाद में मैं आज कोशिश करूंगा दोस्तों एक बार मैं एक आईफोन की पावर आईसी को रिवॉल्व करके और जो छोटी छोटी इसकी ग्लास आईसी होती हैं उसको रिवॉल्व करके आपको वीडियो बना के डालूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग्लास आईसी को किस तरह से रिवॉल्व करें। कई लोग तो आईसी को पकड़ने में डरते हैं क्योंकि वो उनको लगता कहीं टूट ना जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पर बिल्कुल कहना चाहूँगा अगर आप पहली बार देख रहे हो सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए इसे टेलीफोन। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज आप जब आपने यहाँ पे सीखी तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे। अलग लेवल में बैठे रहते हैं कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में वो भी जबलपुर में बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे इसका? चले जाएगा तो फिर मेरे को एक महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखाना है।
नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर, PCB जो होती है ना, हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात, पता नहीं चल रहा है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो सर्किट बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको प्लेन रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ से गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा दे रहे थे। तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेड सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका EMMC और CPU निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा, और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर लें, मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब जब ये बोलते हाँ हमें बोलना है कहीं के लिए बोलना नहीं, जो हम बोलते हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा उसको चुना जाए, तो मैंने फिर यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं से मतलब की इसके अंदर, हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और भेजो मैंने, अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, हाँ सर कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं
और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पे आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Announcing 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. And ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. सबसे मेन मैटर करता है दोस्तों आपका SMD. SMD आपका कैसा है? अगर SMD आपका अच्छा है तो ये मान के चलिए कि आपका काम अच्छा होना ही है। हीट को मैंने रख लिया है 360 पर और एयर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर 2 पर, तो 2 पर एयर रख दिया हुआ मैंने,